लेकिन नंबोली को रेड जोन से बाहर निकालने के लिए सहारा लिया गया रूबीना दल्ले का। आखिरकार क्या रूबीना दल्ले की कठपुतली बनते हुए नजर आए? नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। वह आपको बता दूं कि जिस तरीके से कैप्टनसी का टास्क हुआ उसको ले करने की तंबोली ने इमोशनली काफी सारी चीजों में जो है वो रिएक्ट किया। अब वो वहां रेड जोन में जाकर बैठ गई और बिग बॉस ने भी अनाउंसमेंट की थी, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की कि निशांत इस मैटर को सॉल्व करे। अब यहाँ पर निशांत सिंह मलकानी ने रूबीना दिल्लाई के कहने पर कि भाई अगर तुम उसे किसी चीज से डराओगे मे बी वो बाहर आ जाए। अब निशांत ने भी वही किया, निशांत ने जाके निकी को कह दिया कि अगर आप बिग बॉस के रेड जोन से बाहर नहीं आती हैं तो मैं आपका सारा का सारा सामान उठाकर बीबी मॉल में लॉक कर दूंगा, जिसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास में है। आपको बता दूं यहाँ पर सिर्फ वो इतना ही नहीं बल्कि पवित्र और एजाज को भी बोलते हैं कि अगर मेरे पास में इन फ्यूचर मेरी अथॉरिटी यूज करने का जब मौका आएगा तो मैं इन दोनों को सेफ्टी भी नहीं दूंगा। तो कहीं ना कहीं तीनों को आप खतरे में डालेंगे। अब इस बात पर पवित्रा भी चिढ़ जाती है, लेकिन ये वाला पवित्र और एजाज वाला जो डिसीजन था वो खुद उन्हीं का था। तो यहाँ पर निशांत चाहते थे कि अगर पवित्रा और एजाज को ये लगेगा कि उनके ऊपर डेंजर आ सकता है तो इससे क्या होगा कि वो उसको कहीं ना कहीं ही कन्विंस करेंगे कि आप बाहर निकलो। तो यहाँ पर निशांत ये भी कहते हैं कि निकी जो कर रही है वो पूरा का पूरा ड्रामा कर रही है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। पवित्रा कहती है कि भाई निकी तंबोली 95% सही है। वेल, आप लोगों के हिसाब से राय क्या है? क्या निशांत सिंह मलकानी रूबीना के इशारों पर चल रहे हैं? क्या पवित्रा जो कह रही है वो सही है या निशांत जो कह रहे हैं वो सही है? राय कमेंट सेक्शन में रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।